आज आपका बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके सामने वेज बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। हरा धनिया जिसको मैंने चॉप कर लिया है, दही आधी कटोरी, बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, जीरा, सरसों का तेल, देसी घी, केसर जिसको मैंने दूध में भिगो दिया था आधा घंटे पहले, लाल मिर्ची पाउडर, आलू जिसको मैंने चॉप कर लिया था, ये दो आलू मीडियम साइज़ के हैं, दो हरी मिर्ची जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, शिमला मिर्च, फ्रोजन मटर, टमाटर और बासमती राइस। इसमें हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दो छोटी हरी इलायची, 8-10 काली मिर्च के दाने, दो दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ा तेज पत्ता, 4 लौंग और एक बड़ी साइज की हमने प्याज काट के रख ली है। हमने अब गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब उसमें हम उसके बाद हम इसमें हम प्याज अपनी ये डालेंगे। हमारा तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम अपनी प्याज भूनेंगे। जब तक प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाएगी उसको हमें जब तक इसको अच्छे से भूनना है। तो हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन होने लगी है और इसको हम ज़्यादा अब नहीं सेकेंगे और गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। हमने फिर से फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, अपने खड़े मसाले डालेंगे, उसको धीमी आंच पे पकने देंगे। इसमें ही अब हम ये प्याज डाल देंगे। हल्दी पाउडर, हरी मिर्ची, आलू, बिरयानी मसाला, मिर्ची पाउडर, फ्रोजन मटर, टमाटर, शिमला मिर्च डालकर अच्छे से चलाएंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देते हैं। अब हमारी ये सब्जी आधी पक चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें अपना ये दही ऐड करेंगे। हमारी सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा अपना ये दही ऐड करेंगे। अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार,
अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें अपने ये बासमती राइस एक कोटी करेंगे। इसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी ये भुनी हुई प्याज की एक लेयर बनाएंगे इसमें। लेयर बनाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करेंगे। केसर वाला दूध, एक चम्मच देसी घी, जिससे हमारे चावल अच्छे से खिले खिले आएंगे। और उसके बाद हम इसकी दूसरी लेयर भी ऐसे ही बना देंगे। धनिया इसमें आप ऐसे ही डाल देंगे। मैंने एक कप चावल लिए थे, उसके हिसाब से एक गिलास पानी, और थोड़ा सा और ऐड करेंगे। हम अच्छे से लगा देंगे और डेढ़ सीटी आने तक गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और सीटी आने तक इसको पकाते हैं। तेज आंच पर इसको पकाएंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और कुकर खोलकर अब हम देखते हैं। देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आइए हम इसे सर्व करते हैं। हमारी बिरयानी तैयार है, आप इसे बनाइए, खाइए और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।